हेलो गाइस, हाउ आर यू। आई एम राकेश जंगपांगी। आज है 18 जनवरी 2021। 18 जनवरी 2021 को मैंने जनरल अवेयरनेस के जितने भी क्वेश्चन इस वीडियो पर डाले हैं वो सभी आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो प्लीज आप इस वीडियो को पूरा देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सवालों से। पहला क्वेश्चन है, वसंत ज्वार और नीप ज्वार के बीच अनुमानित अंतराल क्या है? तो वसंत ज्वार और नीप ज्वार के बीच जो अनुमानित अंतराल है वो 7 दिन का होता है, यानी ऑप्शन ए जो होता है वो हमारा राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अल्फा नदी और गोमित नदी निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है? तो अल्फा नदी और जो गोमित नदी है वो अंटार्कटिका में स्थित है, यानी कि ऑप्शन बी जो होता है हमारा राइट आंसर होगा। अंटार्कटिका में अल्फा नदी एक सबसे छोटी नदी है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत की कौन सी नदी अधिकतम राज्यों से गुजरती है? तो भारत की गोदावरी जो नदी है वो अधिकतम राज्यों से निकलती है। गोदावरी 3 राज्यों से निकलती है, एक तो महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से होकर बहती है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दून किसकी प्रसिद्ध नदी है? जो दून है वो रूस की प्रसिद्ध नदी है, यानी ऑप्शन डी जो होता है वो हमारा राइट आंसर होगा। दून रूस की प्रमुख एशियाई नदियों में से एक है और यूरोप की पांचवी सबसे लंबी नदी है। अब रूस की बात की गई है तो रूस के कैपिटल क्या है? मॉस्को। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन है, ये हैं व्लादिमीर पुतिन रूस के राष्ट्रपति। रूस की मुद्रा रशियन रूबल है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इटली की गंगा किस नदी को कहा जाता है? इटली की जो गंगा है वो पो नदी को कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन डी जो होता है हमारा राइट आंसर होगा। यह इटली की सबसे बड़ी नदी है जिसकी कुल लंबाई 405 मील है, ठीक है, 405 मील है और यह 28,572, ठीक, 28,572 वर्ग मील के बेसिन क्षेत्र में बहती है। जर्मनी की सबसे लंबी नदी राइन है, ठीक, जर्मनी की सबसे बड़ी नदी है वो राइन है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भीम बेसिन छोटे और मध्यम आकार के निम्न स्तरीय ग्रेड यूरेनियम के भंडार किस राज्य में पाए जाते हैं? इसका जो राइट आंसर होगा वो है कर्नाटक, यानी कि ऑप्शन सी जो होता है इसका राइट आंसर होगा। भीम नदी पश्चिम और दक्षिण भारत की एक प्रमुख नदी है, यह महाराष्ट्र, कर्नाटक और तेलंगाना राज्यों के माध्यम से 861 किलोमीटर तक दक्षिण पूर्व में बहती है। अब बात करते हैं कर्नाटक की। कर्नाटक की कैपिटल क्या है? कर्नाटक की कैपिटल बेंगलुरु है। कर्नाटक के सीएम कौन है? कर्नाटक की जो सीएम है बीएस येदियुरप्पा है, ये है कर्नाटक के सीएम बीएस येदियुरप्पा। कर्नाटक के राज्यपाल, कर्नाटक के जो राज्यपाल है वो वज्जुभाई वाला है, ये है कर्नाटक के राज्यपाल वज्जुभाई वाला। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चेनाब में झेलम नदी कहाँ मिलती है? चेनाब में जो झेलम नदी है वो त्रिमू में मिलती है, यानी कि ऑप्शन सी जो होता है हमारा राइट आंसर होगा। त्रिमू बैराज पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के झांग जिले में चेनाब नदी पर बना एक बैराज है, यह झेलम नदी और चेनाब नदी के पास स्थित है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य को इलायची के उत्पादन के लिए नहीं जाना जाता है? इसका जो राइट आंसर होगा वो है उड़ीसा, यानी कि ऑप्शन सी जो होता है इसका राइट आंसर होगा। भारत में इलायची का जो प्रमुख उत्पादन है वो केरल में है, कर्नाटक में है और तमिलनाडु में है। उड़ीसा एक ऐसी जगह है जहां इलायची का उत्पादन नहीं होता है। अब उड़ीसा की बात की गई है, उड़ीसा की कैपिटल भुवनेश्वर है। उड़ीसा के राज्यपाल कौन है? गणेशी लाल है, ठीक, उड़ीसा के जो राज्यपाल है वो गणेशी लाल है, ये है गणेशी लाल उड़ीसा के राज्यपाल। उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन है? उड़ीसा के मुख्यमंत्री है नवीन पटनायक। उड़ीसा के जो मुख्यमंत्री है वह नवीन पटनायक है, ये है नवीन पटनायक उड़ीसा के मुख्यमंत्री। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूध सागर जलप्रपात भारत में किस राज्य में स्थित है? दूध सागर जो जलप्रपात है वो भारत में गोवा राज्य में स्थित है, यानी कि ऑप्शन डी जो होता है हमारा राइट आंसर होगा। दूध सागर जलप्रपात भारत के गोवा राज्य में मंडोली नदी पर स्थित एक 4 पहिया टायर वाला झरना है, ये है दूध सागर। इसका जो पानी होता है वो दूध की तरह सफ़ेद होता है। अब बात की गई है गोवा के बारे में, गोवा की कैपिटल क्या है? गोवा की जो कैपिटल है वो पणजी है। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत है, ये है प्रमोद सावंत गोवा के मुख्यमंत्री। गोवा के राज्यपाल, गोवा के जो राज्यपाल है वो भगत सिंह कोश्यारी जी हैं, ये हैं भगत सिंह कोश्यारी जी
गोवा के राज्यपाल। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चावल का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? चावल का सबसे बड़ा उत्पादक देश जो है वो है चीन, यानी कि ऑप्शन बी जो होता है वो हमारा राइट आंसर होगा। अब चीन की बात कही है, चीन की कैपिटल क्या है? बीजिंग। चीन के राष्ट्रपति कौन है? जी जिनपिंग, ये है चीन के राष्ट्रपति। चीन की मुद्रा क्या है? चीन की मुद्रा है रेनमिनबी। आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको वीडियो बेहद पसंद आई तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और मैंने इस वीडियो की जो पीडीएफ फाइल है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए, आप वहां जाके भी देख सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, आज के लिए बस इतना ही।